नमस्कार गाइस, तो आज हम बनाएंगे बटर पनीर मसाला और इसकी खास बात ये है कि ये बिना लहसुन और प्याज की बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने डाला 2 चम्मच के लगभग पैन पर कुकिंग ऑयल, साथ ही डालेंगे 1 बड़ा टमाटर स्लाइस में कटी हुई, फिर हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, 6 से 7 काली मिर्च, 6 से 7 काजू। इसे अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए ये मसाले हो गए हैं रेडी। अब हम इसे ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। अच्छा रिजल्ट के लिए मैंने इसे छन्नी में छान लिया है ताकि ग्रेवी का टेक्सचर क्रीमी हो। देखिए इसी तरह से छानना है। पैन हमारी गरम हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे जीरा, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची। अब तेल में थोड़ा इसे चटकने देंगे। जो मसाले हमने ग्राइंड किए थे अब हम पैन पर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम चारों ओर से मिलाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, ये पनीर मसाला इतनी मेरी फैमिली को पसंद आई कि सभी उंगलियां चाटते रह गए। मैं खुद हैरान थी कि बिना लहसुन प्याज के इतनी बेहतरीन बनेगी ये। अब हम डालेंगे थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हल्दी 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। इन मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। जिस कटोरी में हमारी मसाले की जो पेस्ट थी उसी से मैंने थोड़ा सा पानी डाला इस पर। तो देखिए मसालों से तेल अलग हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर भी हमारी इसमें मेल्ट हो रही है। देखिए अब हम डालेंगे 1 कप पानी। और इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। अब हम इसमें फ्रेश पनीर को डाल देंगे। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया, आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालकर 2 मिनट के लिए फिर से इसे उबालें। फ्रेश धनिया और क्रीम डालकर इसे गर्मा गर्म परोस दें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।